हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको सवा दो मीटर फैब्रिक से प्लाजो पैंट बनाना बताएंगे जिसके लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है सवा दो मीटर है तो इसी में से हम प्लाजो पैंट बनाना बताएंगे सबसे पहले हम कपड़े का हम अपना अपना एक फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसमें जो हमारी बेल्ट आएगी उसके लिए हम तीन इंच ऊपर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से यहाँ से इसको सीधा कर देंगे ये हमारा हो गया नेफा आप अलग से भी बेल्ट इसमें लगा सकती हैं अगर आप इसी में रखना चाहती हैं तो आप इसी में भी रख सकती हैं तो ये बेल्ट का हो गया अब उसके बाद में यहाँ से लंबाई रखूँगी जैसे हम इसमें अलग से मोहरी लगाएंगे तो मोहरी हम इसमें तीन ढाई इंच की लगाएंगे तो हमारी जो टोटल लेंथ है इसकी वो चालीस है तो हम यहाँ से जो लेंथ ले रहे हैं वो चौंतीस ले रहे हैं अब यहाँ से हम इस तरीके से इसको निशान लगा देंगे और आधा इंच का मार्जिन हम बंद वाली साइड से ले रहे हैं जो बंद वाली साइड है अब यहाँ से अपनी कमर का इसमें कमर का नहीं आपको हिप का हिप राउंड लेना है आपका जितना भी हिप राउंड है उसमें चार इंच आपको ज़्यादा लेना है मतलब कि हिप को नाप के और उसमें चार इंच ज़्यादा लेना है तो मैंने यहाँ से दस इंच लिया है क्योंकि मैं एक पतली लड़की के लिए बना रही हूँ और यहाँ से मैं दो इंच ज़्यादा लूँगी यहाँ से मतलब ऊपर से दस है और अब यहाँ से नापेंगे तो बारह हो गया अब यहाँ से हमने ये ले लिया दो इंच एक्स्ट्रा अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए हमारा ही बारह आ रहा है पूरा ठीक है ऊपर से दस और नीचे से बारह ये हो गया अब यहाँ से हम सेंटर में एक छः इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि जब बारह का हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा छः इंच और छः इंच को हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से बहुत ही ईजी है प्लाजो पैंट बनाना अब हम जितनी भी मोहरी रखेंगे जैसे हम छः इंच की रखेंगे तो हम तीन इंच इधर से ले लेंगे और तीन इंच इधर से ले लेंगे और उसमें हाफ हाफ इंच का हम मार्जिन ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से देखिए यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई दे, दे देंगे इसमें आप स्केल से भी गोलाई दे सकती हैं वरना आप इस तरीके से रख के भी हल्की सी गोलाई देनी होगी और यहाँ से थोड़ी सी ऐसे जैसे गले में गोलाई देते हैं उस तरीके से तो देखिए इस तरीके से हमारा हो गया फ्रंट पार्ट सिर्फ टू लेयर में है अब इसकी सेम तरीके से कटिंग कर देंगे जैसे ड्राफ्टिंग की है और जो ये वाला पार्ट है बंद वाला इसको भी हम यहाँ से इसको पूरा ही कट कर देंगे पहले हम यहाँ तक कट कर लेंगे साइड से कट कर दें अगर आप फैल दी हैं तो आप भी अपने जितना भी आपका हिप है उसका उसमें चार इंच की आपको लूजिंग देनी है अब यहाँ से इसको कट कर देंगे पूरा ही ऊपर तक ये हमने कट कर दिया अब ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल के आ गया है जो वो बंद वाली साइड है उसको भी ओपन कर लेंगे अब ये हमने फिर से टू लेयर में कपड़ा बिछा लिया है और अब इसमें हम डेढ़ डेढ़ इंच कपड़ा ज़्यादा ले रहे हैं इस तरीके से और डेढ़ डेढ़ इंच कपड़ा ज़्यादा लेके हम इसमें बैक पार्ट को निकाल रही हैं बैक को हमें डेढ़ इंच ज़्यादा लेना है और सिर्फ हमें आसन वाली साइड से ही ज़्यादा लेना है यहाँ से नहीं लेना है बंद वाली साइड से यहाँ से जैसे है ऐसे ही लेना है सिर्फ आपको अपनी खुली वाली साइड से इसको डेढ़ इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो हमारा डेढ़ या दो इंच भी लेते हैं लेकिन मैं डेढ़ ले रही हूँ इसमें भी बहुत ही कम्फर्ट लगेगा मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी पहनने में और ऊपर से करीबन एक या डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले लें इस तरीके से अब ये हो गया ऊपर से थोड़ा सा जो हमारा छोटा बड़ा है पार्ट फ्रंट का उसको बराबर कर लेंगे तो इस तरीके से देखिए इसकी कटिंग हो गई है यहाँ से भी इसको हम कट कर देंगे पूरा ही यहाँ से कट कर दिया अब ये हमने मोहरी लगाएंगे इसमें हम ढाई इंच की अलग से तो उसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है तो देखिए ये कटिंग हो गई है आप देख सकती हैं अब सबसे पहले इनका आसन सिल लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक दोनों का आमने सामने हमने रख लिए हैं यहाँ से दोनों का आसन सिलने के बाद तो देखिए दोनों आसन हमने सिल लिए हैं और एक एक सिलाई ऊपर से भी लगा ली है अब दोनों की राइट साइड मिला के इस तरीके से ये देखिए एक पार्ट छोटा होगा एक बड़ा होगा उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बस आप ऐसे पकड़ के सिल दें तो देखिए हमने दोनों को साइड से भी सिल दिया है अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरे ही राउंड में हम ऐसे सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे अब देखिए हमने एक मोहरी लगा ली है दूसरी को लगाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए हमने पाँच इंच चौड़ी ली है कपड़ा और इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो हमारा ढाई इंच चौड़ा रह जाएगा ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद सीधी साइड को रख के और ऐसे पलट के और एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे तो देखिए हमने ऐसे इसको बढ़ा लिया है इससे आपकी जो पैंट है वो कभी भी खिंचाव नहीं खाएगी ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है प्लाजो पैंट बनाने का तो देखिए हमने बना के तैयार कर दी है आप देख सकती हैं इसका लुक भी कितना प्यारा आ रहा है आप चाहें तो इसमें बटन लगा सकती हैं और ये मैंने इलास्टिक भी इसमें डाल दी है और देखिए फ्रंट से ये इस तरीके से दिखाई देगा जो हमारा इसमें ज़्यादा था कपड़ा वो डिज़ाइन आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब